नेक्स्ट बताओ नेक्स्ट बताओ बोलो बेटा बोलो कैश रिजर्व रेशो वेरी गुड कैश रिजर्व रेशो जिसको क्या हम सी आर आर बोल सकते हैं हाँ इसको जनरली सी आर आर ही बोला जाता है ठीक है सी आर आर बहुत ही इंपॉर्टेंट ठीक है लिखो भाई इट इज इट इज

To maintain, to maintain with, to maintain with central bank. To maintain with central bank out of, out of total, out of total cash available, cash your deposit little, total cash your deposit available. अवेलेबल विद विद कॉमर्शियल बैंक लिख लिया बेटा फॉर्मूला लिखो नीचे सी आर आर इज इक्वल टू टोटल रिजर्व required total reserve required upon total deposit available The cash available available into 100 into 100 jab likh लीजिएगा तो बता दीजिएगा लिख लिया भैया वेरी गुड लिख लिया वेरी वेरी गुड आओ बेटा जरा समझे ये सीआरआर क्या होता है और इसके थ्रू हम इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं मैं कह रहा हूँ बेटा सामने जरा ढंग से देखना बताओ भाई हमारे सामने ये कौन है बोलो बेटा बोलो बोलो बेटा कौन है ये जल्दी ये हमारे सामने। बैंक कॉमर्शियल बैंक हमने किसका एग्जाम्पल लिया पीएनबी का ठीक है इधर मुझे बताओ कौन लोग होते हैं इधर कौन है ये जल्दी बताओ जनरलिक वेरी 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 गुड जनरल पब्लिक ठीक है ना तो इधर कौन है ये इधर बैंक ये किसका मंदिर General है बैंक वेरी वेरी गुड आरबीआई ठीक है ना यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाप बैंक ऑल बैंक वेरी गुड मुझे बताओ क्या सिस्टम बना हुआ है बेटा ये जो जनरल पब्लिक है किससे इंटरेक्ट करती है ये कॉमर्शियल करती है कॉमर्शियल तो तो और क्या देते हैं मुझे बताओ इन जनरल पब्लिक को लोन देते हैं ये इनका काम गुड हाँ, तो ये जो काम है ना बेटा बड़ा रिस्की काम है ये हम लोग ने यहाँ पे डिपॉजिट रखवाया पीएनबी के पास और पीएनबी उसी सेम अमाउंट को किसी और को लोन दे देता है, है ना अब मुझे एक बात बताओ मैं अपना पैसा विड्रॉ करने आता ठीक है मैं बोलता लाओ, मेरा पैसा लाओ पीएनबी वाले तो मेरे से बोल देते कि यार हमने वो तो किसी और को लोन दे दिया है ना हाँ कहां से लाते पैसा बेटा इन सारे डिस्प्यूट से बचने के लिए आर ने एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म बनाया है उस मैकेनिज्म का एक छोटा सा पार्ट है क्या उसका पार्ट का नाम है बेटा सी आर आर क्या नाम है सी आर आर कैश रिजर्व रेशो बेटा ये वो रिजर्व है यहाँ या वो रेशो है या वो रेट है बेटा जिस रेट पे पीएनबी के पास जब भी डिपॉजिट आएगा तो उसमें से कुछ अमाउंट एज अ रिजर्व उनको किसके पास रखवाना है बताओ भाई आरबीआई के पास आप बोलोगे भैया ये तो आरबीआई हफ्ता वसूली कर रहा है ठीक है सामने देखो मैं कह रहा हूं बेटा किसी पर्सन ने पीएनबी के पास क्या करा थाउजेंड रुपीज का डिपॉजिट रखवाया मैं कह रहा हूं देखो पीएनबी के पास थाउजेंड रुपीज का डिपॉजिट आया क्या आपको याद है कि पीएनबी के सर में क्या होगा बताओ भाई 10% वे लेवा सीआरआर दर्द होगा दर्द होगा है ना किस चीज का दर्द है बेटा रिजर्व का दर्द है मान लो सीआरआर सीआरआर चल, चल रहा है 10% तो एकदम से एकदम से यहाँ से आरबीआई क्या निकालेगा अपना हाथ निकाल देगा हाँ, किस चीज के लिए बेटा आज हफ्ता, वसूल, रुपे कर, रुपे। हाँ, very good, हफ्ता वसूल कर हाँ, वेरी गुड हफ्ता वसूल करा जाएगा बताओ इसमें से कितना डिडक्ट करें ये ₹100 ₹100 हाँ सौ ये कहाँ चले जाएंगे बेटा के हाथ में चले गए। हाँ, इसको, सौ रुपए को कौन रखेगा, अपने पास ये? रखेगा। तो यहाँ पे आज पीएनबी से लोन क्या दे, दे सकता दे दे है दे। मुझे बताओ लोन, लोन दे, दे सकता दे दे। है अब आप बोलोगे भैया ये तो बड़ा गलत सिस्टम बना रखा है आरबीआई ने आरबीआई तो अपनी दादागिरी चला रहा है हफ्ता वसूल कर रहा है किससे पीएनबी से बट बेटा ऐसा नहीं है ये जो

अब बात समझ में आए तो सी है क्या बेटा सी कुछ नहीं है सी एक रेट है या रिजर्व है ठीक है जिसमें से आप मैं बोल सकता हूँ वो अमाउंट है जो पी को किसके पास रखवाना है आरबीआई के पास सेंट्रल बैंक के पास एज अ रिजर्व रखवाना है कि कहाँ से बेटा टोटल डिपॉजिट से जितना भी डिपॉजिट किसके पास आएगा कॉमर्शियल बैंक के पास, पास उसमें से कुछ अमाउंट

वकार वेरी गुड बताओ मुझे हमारे हमारे गवर्नर साहब कौन है आरबीआई के आरबीआई के गवर्नर कौन है कोचिंग के अंदर वकार वेरी वेरी गुड हाँ भाई वकार वकार बेटा इकोनॉमिक कह रहा है इकोनॉमी <laughs> के अंदर आई हुई है बेटा इन्फ्लेशन मैं कह रहा हूँ बेटा आई हुई है इन्फ्लेशन बताओ गवर्नर साहब आप कैसे कंट्रोल करेंगे इन्फ्लेशन को इकोनॉमी के अंदर महंगाई आई हुई और आपको सीआरआर के थ्रू कंट्रोल करनी है बताओ बोलो बेटा बोलो चुप क्यों हो बैंक रेट को डिक्रीज कर दो मेरे को आवाज नहीं आई बेटा आपकी ओके सुवानी डन वकार बैंक रेट को Hello, हाँ बोलो यार ऐसी नहीं है है। चल है, दूसरे को चल है। मुझे नहीं पता बेटा क्या हो रहा है आज मुझे पता ही नहीं है तो कल हमारा ठीक चल रहा है मुझे भी आ रही है वकार बेटा लिख के भेजो मैं आगे नहीं चलूंगा अब तक वकार मेरे को है वकार कोई बात नहीं हाँ कोई बात नहीं वकार लिख के भेज दो वकार लिख के भेज दो क्या करेंगे सी आर आर को <laughs> किसने आंसर करा था ये वाला <laughs> वकार लिख के भेजो अरे बैंक क्रेडिट की मैं बात ही नहीं कर रहा वकार मैं तो सीआरआर की बात कर रहा हूं मैं सीआरआर पढ़ा रहा हूं बेटा सुनो भाई एक ही बच्चे ने आंसर किया सुहानी ने मैं कह रहा हूं बेटा हम सीआरआर को पता है क्या करेंगे सीआरआर को हम इंक्रीज कर देंगे चलो अब दिमाग लगाओ जल्दी से मैं कह रहा हूँ देखो इधर क्या है इधर हाँ, कितना कर दिया? 20%. अब मुझे समझाओ अब समझाओ कि इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट आएगा बेटा इसकी वजह से छोटा सा इम्पैक्ट आएगा ठीक है वो इम्पैक्ट क्या है आज सौ रुपए की जगह बताओ कितने रखवाने पड़ेंगे बीस परसेंट हो गया अरे जल्दी बोल दो वेरी वेरी गुड तो लोन देने के लिए कितने बचे Absolutely. तो यानी एक देखो, एक देखो बात बताओ रिजर्व तो ज्यादा रखवाना पड़ा रिजर्व क्या रखवाना पड़ा ज्यादा बट कॉमर्शियल बैंक के पास जो लोन देने के लिए बेटा कैश पड़ा था जिसको मैं क्या बोलता हूँ बहुत देर से मैं उसको पता है क्या बोल रहा हूँ उसको मैं बोल रहा हूँ सी 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 बताओ सी 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 का मतलब क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी बोलो दोबारा से क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी वेरी गुड वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है बेटा वो डिक्रीज हो दिक्रीज रही है डिक्रीज हो गई पहले 900 वेरी गुड पहले 900 रुपए बच रहे थे आज कितने बचे 800 रुपए बताओ भाई अब इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमी के अंदर ऑब्वियसली लोन कम जाएगा है ना तो इकोनॉमी के अंदर लोन कम क्रेडिट कम बेटा क्रेडिट कम तो बोल दो जल्दी से सप्लाई ऑफ मनी कम सप्लाई ऑफ मनी कम क्या बात है very... हो जाएगा। क्या है? बात है गुड तो बच्चे, बच्चे रुक ही नहीं रहे आगे आगे चल रहे हैं यही तो चाहिए मेरे को आप मेरे से आगे आगे चलो बोलो भैया खत्म करो इन सब चीजों को सब आता है हमें ठीक है और एंड में एक बात बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा इन्फ्लेशन क्या हो जाएगी बोलो कंट्रोल बढ़ नहीं जाएगी कंट्रोल हो जाएगी क्या हो जाएगी कंट्रोल हाँ ठीक है ठीक है आओ चलो जल्दी से लिखते हैं लिखो भाई इन केस ऑफ इन केस ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप कॉमा सेंट्रल बैंक इंक्रीजेस बेटा सब किसके कंट्रोल में चल रहा है सेंट्रल बैंक के ध्यान रखना सेंट्रल बैंक इंक्रीजेस सीआरआर फुल स्टॉप बुलेट पॉइंट चेंज बताओ भाई क्या होगा एज अ रिजल्ट बोलो सुहानी क्या होगा एज अ रिजल्ट रिजर्व क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम हो जाएगी कमर्शियल बैंक की उससे पहले कुछ होगा कॉमर्शियल बैंक रिजर्व इंक्रीज वेरी गुड कॉमर्शियल बैंक विल हैव हैव टू टू मेंटेन बैंक विल मेंटेन मोर रिजर्व मोर रिजर्व हाँ विद बताओ विद्रल बैंक वेरी गुड प्रांची सब क्लियर हो रहा है बेटा हाँ तो नेक्स्ट लाइन बताओ क्या लिखो दिस विल बताओ फिर दिस विल क्या होगा

रटना कुछ नहीं है याद करना है ठीक है हाँ भाई अब बताओ इसकी वजह से क्या होगा एज अ रिजल्ट हम्म रिजल्ट सप्लाई ऑफ मनी इन द विल डिक्रीज वेरी गुड अब तो पूरा सेम प्रोसेस है सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी हदर समझ में आ रहा है इन द इकोनॉमी बताओ भाई इन द इकोनमी विल डिक्रीज हाँ भाई विच चलो आगे इसमें कंटिन्यू रखते हैं पावर विच विल फर्दर ड्रीजेज दीपी पीपी मतलब परचेजिंग पावर फाइनली फाइनली एग्रीगेट डिमांड ड्रीजेज कॉमा आप लोग पूरा लिखा करो हैं इन्फ्लेशनरी इन्फ्लेशनरी गैप इज कंट्रोल्ड गैप इज कंट्रोल्ड इन्फ्लेशनरी गैप इज कंट्रोल्ड ठीक है インフレーショनリー गैप इस कंट्रोल्ड क्लियर बेटा बताओ yes, बेटा आप आप बेशंगी ऊपर देखना हाँ जी बेटा लो मैं तो बहुत बच्चे अबेसेंट एप, हैं जीवांश है क्लास के अंदर देखो जीवांश नहीं है अरिबा है देखो नहीं है श्रेजा तो है ही नहीं हाँ भाई उसके बाद लिखो आई डालो ये आपको होमवर्क में लिखना है होमवर्क दे रहा हूं तो लिख ही लेना आपका बेनिफिट है मेरा कुछ नहीं है उसके अंदर बिल्कुल सेम बस अपोजिट करना है ऊपर जो लिखवाया था ठीक है इसलिए दे रहा हूँ ताकि हमारा टाइम सेव हम लोगों का और सेम ही करना है वो